हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे मकर संक्रांत स्पेशल तिल के लड्डू बनाने वाले हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक तिल के लड्डू की रेसिपी अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग ने एक पैन रख दिया है। आज हम लोग कुछ अलग तरह के तिल के लड्डू बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारा पैन गर्म हो चुका है, तो हम लोग ने यहाँ पर 1.5 कप तिल लिए हैं, यानी 300 ग्राम तिल लिए हैं। उसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमारे तिल भूनकर हो चुके हैं। तिल में से तड़तड़ आवाज आने लगेंगी, तो आपके तिल भून चुके होंगे। तो आप तिल के बंद कर देना गैस की फ्लेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया है तिल का। तो हम लोग गैस की फ्लेम बंद करेंगे और तिल ठंडे होने की राह देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ने मूंगफली ली है, उसको भी हम लोग भून कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ने 100 ग्राम के आसपास मूंगफली ली है। ये आपको पसंद है तो ले सकते हैं, या तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके अलग हो चुके हैं, अब मतलब हमारी मूंगफली भुनकर हो चुकी है। अब हम लोग इसकी गैस की फ्लेम बंद करेंगे, उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देंगे। यहाँ पर हम लोग ने एक मिक्सर का जार लिया है और तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो हम लोग इसमें डालेंगे तिल पूरे। और हम लोग ने यहाँ पर 300 ग्राम तिल लिया था, तो उसमें से 3 चम्मच तिल अलग निकाल कर रख दिया है। फिर तिल डालने के बाद हम लोग इसमें मूंगफली डालें। यहाँ पर मूंगफली भी हमारी ठंडी हो चुकी है, हम लोग ने उसके छिलके निकाल लिए हैं, वो भी डालेंगे इसमें। फिर यहाँ पर हम लोग ने 1 कप हम लोग ने एक गुड़ लिया है, उसको बारीक कट कर कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग ने 1 कप गुड़ डाला है और इसको अभी हम लोग फिर इसमें हम लोग यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और इसको हम लोग दरदर ऐसा पीस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग ने दरदर ऐसा मिक्सर में से तिल और बाकी पीस कर लिया है, उसको एक बाउल में निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग ने जो बचा हुआ तिल रखा था वो भी इसमें डाल देंगे और इसको इसमें और 2 चम्मच घी डालेंगे, ताकि हमको लड्डू बनाना में आसानी हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ने मिक्स पूरा तिल लड्डू का मिक्सचर हमने मिक्स कर दिया है और हमको बॉल में मिक्स करने के लिए हो रहा था, इसलिए हम लोग ने पैन में ले लिया है। अभी हम लोग इसके लड्डू बनाएंगे। आपको जिस साइज के बनाना है उस साइज के आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तिल का लड्डू बनकर रेडी हो चुका है और कितना मस्त लग रहा है। इसी तरह से हम लोग पूरे लड्डू बना कर लेंगे। आपको साइज किस तरह चाहिए उस तरह के आप लोग बना लें। और एक बनाकर बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दूसरा लड्डू भी बनाकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम लोग पूरे पहले बनाकर लेंगे।